हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल करंट अफेयर्स ए टू जेड। यहाँ पे हम लोग करंट अफेयर्स रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स पर डिस्कस करते हैं। यह है मेरे जून मंथ के करंट अफेयर रिलेटेड पहला वीडियो। इसके पहले भी मैंने जनवरी मंथ से लेकर अब तक करंट अफेयर रिलेटेड और भी बहुत सारे वीडियोस अपने चैनल में अपलोड कर रखे हैं। अगर आप लोग उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आप लोग चाहें तो जाके उनको चेकआउट कर सकते हैं। और ये जो जून मंथ की करंट अफेयर रिलेटेड वीडियो है, ये वीडियो पहला वीडियो है, तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को आखिर तक देखना, इस वीडियो को एक लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और मेरे इस चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करना, बिकॉज आप लोगों का सपोर्ट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ सपोर्ट मी। तो चलिए, इंट्रो को और ना लंबा करते हुए हम बढ़ते हैं आगे वीडियो की तरफ। द फर्स्ट क्वेश्चन इज़, विच स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अनाउंस्ड करोना फ्री विलेज कॉन्टेस्ट विथ ₹50 लाख प्राइज मनी। 50 लाख की प्राइज मनी के साथ कौन से स्टेट के गवर्नमेंट ने करोना फ्री विलेज कॉन्टेस्ट का अनाउंस किया है? इसका आंसर है महाराष्ट्र। इसके साथ नोट्स कुछ इस तरह से हैं। महाराष्ट्र रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर हसन मुसफिर स्टेटेड दैट दिस कॉन्टेस्ट इज़ अ पार्ट ऑफ माई विलेज करोना फ्री इनिशिएटिव announced by Chief Minister Uddhav Thackeray recently. The winning village in each of the 6 revenue divisions of the state will get ₹50 lakh as prize money. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के अनाउंस करने के बाद उनके रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर हसन मुसफिर ने एक कॉन्टेस्ट का ऐलान किया है जिसका नाम है माई विलेज करोना फ्री, और स्टेट के 6 रेवेन्यू डिविजन्स में से हर एक गांव को चुन लिया जाएगा और उन गांवों को 50 लाख रुपीज़ का प्राइज मनी मिलेगा। द CM ऑफ महाराष्ट्र उद्धव ठाकरे, द गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र भगत सिंह कोश्यारी, कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र मुंबई। द सेकेंड क्वेश्चन इज, व्हेन वी सेलिब्रेटेड वर्ल्ड साइकिल डे 2021, 2021 में हम लोगों ने कब वर्ल्ड साइकिल डे सेलिब्रेट किया था? इसका आंसर है 3 जून 2021। इसके साथ नोट्स कुछ इस तरह से हैं। द फर्स्ट बाईसाइकिल डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन June 3, 2018। प्रोफेसर लेजिक सिब्लिस्की, पॉलिश सोशल साइंटिस्ट वर्किंग इन द यूनाइटेड स्टेट, लेड अ ग्रासरूट कैंपेन विथ हिज सोशियोलॉजी क्लास टू प्रोमोट अ UN रेजोल्यूशन फॉर वर्ल्ड बाईसाइकिल डे। पहली बार वर्ल्ड बाईसाइकिल डे सेलिब्रेट किया गया था 3 जून 2018 में। यूनाइटेड स्टेट्स में काम कर रहे पॉलिश सोशल साइंटिस्ट लेजिक सिब्लिस्की ने अपने सोशियोलॉजी क्लास के साथ मिलकर UN की एक बाईसाइकिल डे रेजोल्यूशन को मनाने के लिए पहली बार एक ग्रासरूट कैंपेन का आयोजन किया था। द थर्ड क्वेश्चन इज, विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज सेलिब्रेटेड इट्स फॉर्मेशन डे ऑन 2 जून 2021। 2 जून 2021 को इंडिया के कौन से स्टेट ने अपना प्रतिष्ठा दिवस मनाया है? इसका आंसर है तेलंगाना। इसके साथ नोट्स कुछ इस तरह से हैं। द स्टेट ऑफ तेलंगाना वॉज ऑफिशियली फॉर्म्ड ऑन 2 जून 2014। कल्पकुंतला चंद्रशेखर राव वॉज इलेक्टेड एज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना। तेलंगाना ऑफिशियल स्टेट के रूप में पहली बार सामने आया था 2 जून 2014 को, और कल्पकुंतला चंद्रशेखर राव को पहली बार तेलंगाना का CM चुना गया था। CM ऑफ तेलंगाना कल्वकुंतला चंद्रशेखर राव, गवर्नर ऑफ तेलंगाना तमिलसाई सौंदरराजन एंड कैपिटल ऑफ तेलंगाना हैदराबाद। द फोर्थ क्वेश्चन इज, हु ओन द इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2021। 2021 में इंटरनेशनल बुकर प्राइज किनको मिला है? इसका आंसर है डेविड टॉप। इसके साथ नोट्स कुछ इस तरह से हैं। एट नाइट ऑल ब्लड इज बैक, रिटन बाई डेविड टॉप एंड ट्रांसलेटेड फ्रॉम फ्रेंच by Anna Moskovakis on 2nd June, announced as the winner of the 2021 International Booker Prize. The €50,000 prize will be split between David Doth and Anna Moskovakis, giving the author and translator equal recognition. At night, All Blood is Black book के लिए David Doth को 2nd June को ये बुकर अवार्ड मिला है, और इस बुक को ट्रांसलेट किया है फ्रेंच से इंग्लिश में एना मॉस्कोवैकिस ने। और 2021 में ये बुक का जो इंटरनेशनल प्राइज मनी है €50,000, वो प्राइज मनी डेविड डॉप और उनका जो ट्रांसलेटर है, बुक का ट्रांसलेटर एना मॉस्कोवैकिस, उन दोनों के बीच में इक्वली डिवाइड कर दिया जाएगा ताकि उन दोनों को सेम रिकग्निशन मिले।
The International Booker Prize is an international literary award hoisted in the United Kingdom. The introduction of the international prize to complement the Man Booker Prize was announced in June 2004. जून 2004 में जो प्राइस कम्प्लीमेंट किया गया था मैन बुकर प्राइस के लिए, उसी के तहत इंटरनेशनल बुकर प्राइस हर साल यूनाइटेड किंगडम में आयोजित किया जाता है और जो जीवित लेखक है उनके बुक को ये सम्मान मिलता है। द फिफ्थ क्वेश्चन इज हु विल बी द न्यू पीएम ऑफ इसराइल, इसराइल के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बनने वाले हैं? इसका आंसर है नफ्ताली बेनेट। इसके साथ नोट्स कुछ इस तरह से हैं। अंडर अ डील अनाउंस्ड वेडनेसडे, मिस्टर बेनेट, हेड ऑफ द राइट विंग यमीना पार्टी, वुड सर्व फर्स्ट एज प्राइम मिनिस्टर फॉर 2 ईयर्स, फॉलोड बाय द हेड ऑफ द सेंट्रिस्ट यश अतीत पार्टी याइर लपिद, हु विल फर्स्ट सर्व एज फॉरेन मिनिस्टर। वेनेसडे को हुई एक डील के मुताबिक राइट विंग यमीना पार्टी के मुखिया मिस्टर बेनेट 2 साल के लिए पहली बार इसराइल के प्राइम मिनिस्टर का पद संभालेंगे और उनका साथ देंगे सेंट्रिस्ट याशित अतिदी पार्टी के हेड याइब लपीद, जो कि पहली बार के लिए फॉरेन मिनिस्टर बनेंगे। द कैपिटल ऑफ इसराइल इज जेरूसलम एंड द करेंसी ऑफ इसराइल इज इसराइली शेकेल। द सिक्स्थ क्वेश्चन इज रिसेंटली विच कंट्रीज वॉरशिप सैंक इन द गल्फ ऑफ ओमान, हाल ही में कौन से देश की वॉरशिप ओमान के गल्फ में डूबी हैं? इसका आंसर है ईरान। इसके साथ नोट्स कुछ इस तरह से हैं। द लार्जेस्ट वॉरशिप इन द ईरानियन नेवी कॉट फायर एंड लेटर सैंक वेनेसडे इन द गल्फ ऑफ ओमान अंडर अनक्लियर सर्कमस्टांसेस। अनक्लियर सर्कमस्टांसेस के तहत गल्फ ऑफ ओमान में वेनेसडे को इसराइल की सबसे बड़ी जो नेवी शिप थी, वॉरशिप थी, वो डूब चुकी है आग लगने की वजह से। द प्रेसिडेंट ऑफ ईरान इज हुसैन रूहानी, द सुप्रीम लीडर इज अल खमेनी एंड द कैपिटल ऑफ ईरान इज तेहरान एंड द करेंसी ऑफ ईरान इज ईरानियन रियाल। द सेवेंथ क्वेश्चन इज हु इज द न्यू वाइस चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स के नए वाइस चीफ कौन बने हैं? इसका आंसर है विवेक राम चौधरी। इसके साथ नोट्स कुछ इस तरह से हैं। एस फाइटर पायलट एयर मार्शल विवेक राम चौधरी हैज़ बिन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ इन द एयर हेडक्वार्टर्स। एयर हेडक्वार्टर्स में नेक्स्ट वाइस चीफ के तौर पर एस फाइटर पायलट एयर मार्शल विवेक राम चौधरी को चुना गया है। फाउंडेड ऑन 8 अक्टूबर 1932, कमांडर इन चीफ प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद। The eighth question is, recently Twitter has removed blue tick from which RSS leader account? हाल ही में कौन से RSS के लीडर के अकाउंट के पास में से Twitter ने blue tick हटा दिया है? इसका आंसर है RSS chief मोहन भागवत। इसके साथ नोट्स कुछ इस तरह से हैं। Earlier in the day, the microblogging site removed the blue badge from the account of Vice President M. Venkayanath Naidu only to restore it later. उसी दिन पहले इस माइक्रोब्लॉगिंग साइट ने अपना ब्लू बैज वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू के अकाउंट के पास में से भी हटा दिया था, बाद में उन्होंने वो फिर से डाल दिया था। एंड द सेम थिंग हैपन टू आरएसएस चीफ मोहन भागवत, और आरएसएस चीफ मोहन भागवत के साथ भी ये सेम चीज़ हुआ है। पहले उनके अकाउंट के पास से ब्लू टिक हटा दिया गया था, फिर उसे रिस्टोर कर दिया। द फाउंडर ऑफ आरएसएस इज के बी हेडगेवार, फाउंडर ऑन 26 सितंबर 1925 नागपुर, सर संघचालक मतलब चीफ है मोहन भागवत, हेडक्वार्टर्स नागपुर, लीडर्स मोहन भागवत, दत्तात्रेया होसबाले। द नाइन्थ क्वेश्चन इज व्हेन वी सेलिब्रेटेड वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2021, हम लोगों ने कब 2021 में वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया था? द आंसर इज June 5। इसके साथ नोट्स कुछ इस तरह से हैं। द फर्स्ट वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे वॉज ऑब्जर्व्ड इन 1974, गिविंग अ ग्लोबल प्लेटफॉर्म फॉर इंस्पायरिंग पॉजिटिव चेंज इन द एनवायरनमेंट। द थीम ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे वॉज ओनली वन अर्थ। पहली बार वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे ऑब्जर्व किया गया था 1974 में, और उस दिन चलाने का ये लक्ष्य था कि एनवायरनमेंट में जो पॉजिटिव चेंज हो रही है उसे इंस्पायर होना, और पहली बार वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का थीम था ओनली वन अर्थ। द टेंथ क्वेश्चन इज
व्हाट वाज द थीम ऑफ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2021? 2021 में वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का थीम क्या था? द आंसर इज द थीम ऑफ 47th वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। 47th वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का थीम था इकोसिस्टम का रिस्टोरेशन। इसके साथ नोट्स कुछ इस तरह से हैं, एज टैकलिंग क्लाइमेट चेंज एंड द लॉस ऑफ स्पीसीज इन क्रूशियल टू द रिस्टोरेशन ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के रिस्टोरेशन के लिए जो बहुत ही महत्व रखती है उन सारे स्पीसीज जो कि धीरे धीरे इस दुनिया से विलुप्त हो रहे हैं उनको टैकल करना। In 1987, the UN decided to rotate the host country for the celebration of the day. UN ने 1987 में decide किया था कि वो लोग जो host country है उसको बदल देंगे। Pakistan will act as the global host of the day 2021 में पाकिस्तान ग्लोबल होस्ट के तौर पर काम कर रही है इन कोलैबोरेशन विद द UN एनवायरनमेंट प्रोग्राम। UN एनवायरनमेंट प्रोग्राम के साथ मिलकर। The 11th question is, recently, Indian Navy's which nuclear submarine is going back to Russia as the leash is about to expire? उनकी लीश एक्सपायर होने की वजह से रशिया की कौन सी न्यूक्लियर सबमरीन इंडिया से रशिया वापस जा रही है? The answer is INS Chakra. इसके साथ नोट्स कुछ इस तरह से हैं, इंडियन नेवीज ओनली न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन द INS Chakra विच वॉज टेकन ऑन लीश फ्रॉम रशिया इज बिलीव टू बी ऑन इट्स वे बैक टू द कंट्री ऑफ इट्स ओरिजिन। इंडियन नेवी की एक लौती न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन थी INS Chakra जो कि लीश खत्म होने की वजह से अपनी ओरिजिन कंट्री रशिया में वापस जा रही है ऐसा लोगों का मानना है। फाउंडेड ऑन 26 जनवरी 1950 Vice Chief of the Naval Staff is Vice Admiral G. Ashok Kumar. Deputy Chief of the Naval Staff is Vice Admiral M.S. Pawar. Chief of the Naval Staff is Admiral Karanveer Singh. Commander-in-Chief President Ramnath Kovind and the headquarters is in New Delhi. The 12th question is, when we celebrate World Green Roof Day 2021? 2021 में हम लोगों ने कब World Green Roof Day celebrate किया? इसका answer है 6 June 2021. इसके साथ नोट्स कुछ इस तरह से हैं, ऑन 6 जून 2021 वर्ल्ड ग्रीन रूफ डे इज टेकिंग प्लेस टू सेलिब्रेट ग्रीन रूफ्स ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड द मेनी बेनिफिट्स दे ब्रिंग टू पीपल एंड द एनवायरनमेंट एंड टू ऑल्सो गेट सिटीज एंड टाउन्स ऑल ओवर द वर्ल्ड टू थिंक अबाउट हाउ दे कैन डिलीवर ग्रीन रूफ्स विद इन देयर एरिया। 6 जून 2021 को ग्रीन रूफ डे सेलिब्रेट किया गया है और इस दिन को सेलिब्रेट करने का यही मकसद था कि ग्रीन रूफ के जो बेनिफिट्स हैं वो लोगों तक पहुंचाई जाए और हमारे वातावरण के लिए वो कितना अच्छा काम करती है ये लोगों को समझाई जाए और हर एक टाउन में ताकि लोग ग्रीन रूफ आसानी से पा सके, उनकी डिलीवरी अच्छे से हो सके उनकी एरिया में, इस बारे में भी लोगों का उत्साह बढ़ाया जाए। तो दोस्तों आज का वीडियो कुछ इस तरह से था। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो और आप लोगों ने आखिर तक इस वीडियो को देखा होगा या फिर सुना होगा। और ये क्वेश्चन आंसर्स अगर आप लोगों को अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ 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 मेरे वीडियो को एक लाइक कर देना। एक लाइक में क्या जाता है, प्लीज़ लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। और प्लीज़ अगर कुछ आप लोगों को कहना हो, अच्छा लगा हो बुरा लगा हो, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलना, मैं हमेशा जवाब देती रहती हूँ। चलिए आज के लिए ये वीडियो इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय दोस्तों।